प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये था कि कर्नाटक के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है वहां पर एक गवर्नमेंट कॉलेज ने हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई और हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं शहरिया ने औरंगाबाद से अपील करता हूं कि कम्युनिटी अल्फाज एक नौजवानों की तंजीम है और मेरी जानिब से भी हमने ये एक जुमा के बाद नमाज जुमा के बाद एक एहतजाजी मुजाहरा रखा है बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ और उस कॉलेज के खिलाफ जो हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई। हमारे मजहबी मजहबी मामलात के अंदर अगर दखल अंदाजी होती है तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। तो मैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हमने पुलिस से परमिशन भी ली है और पुरअमन तरीके से एहतजाज किया जाएगा और औरंगाबाद के नौजवानों से अवाम से, और ये कोई सियासी एहतजाज नहीं है, इसमें मैं तमाम सियासी तंजीमें ऑर्गेनाइजेशन से अपील करता हूँ कि वो भी इसमें शामिल रहे और अपने इत्तेहाद का सबूत दे, क्योंकि हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा मुतालबा ये भी है हुकूमत हिंद से कि हिंदुस्तान में हमारे मुल्क में गवर्नमेंट बीजेपी की हुकूमत है मगर हिंदुस्तान हमारा मुल्क संविधान से चलता है, कोई हुकूमत फरमानशाही और ये चलने वाली नहीं है, इसको नाकाबिल हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो खास तौर से मैं औरंगाबाद के नौजवानों से और सभी से जितनी भी सियासी जमातें उनसे भी अपील करूंगा कि अल्फाज कम्युनिटी के इस एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत करें। और नौजवानों आपसे मैं अपील करता हूं और गयूर औरंगाबाद के मुसलमानों से भी अपील कर दूंगा, अगर आप उस एहतजाज में शामिल नहीं होते हैं तो कर्नाटक की हमारी मुसलमान बहन और हमारी मिल्लत की बेटी कर्नाटक की अशर के मैदान में आपसे सवाल करेंगी। अगर आप उस एहतजाज में शामिल नहीं हुए तो मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूँ अपनी इस एहतजाज में शामिल रहिए। जुमा के नमाज के बाद डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने इस एहतजाज रखा गया है। तो मैं फिर से एक बार अपील कर रहा हूँ कि आपको ये मेरी आवाज जिस आपके YouTube चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जहाँ जहाँ भी जो जो भी सुनेगा तो उसके बाद आपको वो एहतजाज में शामिल कर लूंगा। फिर से एक बार बोला, अगर वो एहतजाज में आप शामिल नहीं होते हुए नौजवानों और बुजुर्गों और सबकी अपील कर रहा हूँ तो कर्नाटक की मुस्लिम बहन हमारे से सवाल करेंगी और हशर के मैदान में, और ये भी कर पाऊंगा तो वो मिल्लत की उस बेटी को सलाम है जिसने एहतजाज बुलंद किया। और मैं ये मानता हूँ कि उस वो नौजवान बहन ने जो एहतजाज किया उसके पहले एहतजाज हमारा होना चाहिए, उसने हमें गैरत दिलाई है मेरे भाइयों, अल्लाह उन्हें गैरत दिलाई कि तुम नौजवान क्या कर रहे हो अशर के मैदान में, हम तो सवाल होगा तो हमको इस एहतजाज में शामिल होना होगा मेरे भाई और मिलने इतिहास का सबूत देना होगा। तो फिर से एक बार अपील करता हूँ मैं सैयद मतीन करबेड़, आप उस एहतजाज में शामिल होइए और अपने इतिहास का सबूत दीजिए। हमारा हिंदू जमहूरी तरीके से हम एहतजाज करेंगे, हमारा ये राइट्स है, हम एहतजाज बुलंद करेंगे और आइंदा ऐसी अगर कोई गलती करेंगे हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 295A के तहत हमारे मजहबी जज्बात मजरूह है, उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारी ऐसी अपील है, नौजवानों से ऐसी अपील है कि आप इसमें शिरकत करिए। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज़।